गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गुलीनाल। सो टुडे वी विल टॉक अबाउट आर 23 टॉपिक ऑफ मे टू अगस्त सीरीज। हमारा आज का टॉपिक है डिस्क्राइब अ वाटर स्पोर्ट यू वुड लाइक टू ट्राई इन द फ्यूचर, कि कोई ऐसे वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी के बारे में बताएं, मतलब पानी में होने वाली कोई एक्टिविटी जो आप फ्यूचर में जाके ट्राई करना चाहते हो। तो जिन बुलेट पॉइंट पर हमने आज बोलना है वो ये है। फर्स्ट है व्हाट इट इज़, क्या है ये वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी, वेयर यू वुड लाइक टू ट्राई इट, कहाँ पर जाकर आप इस एक्टिविटी को ट्राई करना चाहते हो, वेदर इट इज़ ईजी और डिफ़िकल्ट, बताएं कि ये जो एक्टिविटी है वो करने में ईजी है या फिर डिफ़िकल्ट है, एंड एक्सप्लेन वाई यू वुड लाइक टू ट्राई इट, और बताएं क्यों आप इस एक्टिविटी को ट्राई करना चाहते हैं। सो आज के जो क्यू कार्ड में हम स्टोरी बताने वाले हैं वो पहले डिस्कस कर लेते हैं कि क्या होगी। तो हम आज के क्यू कार्ड में स्कूबा डाइविंग के बारे में बोलने वाले हैं। स्कूबा डाइविंग क्या होती है, एक एक्टिविटी होती है जो कि पानी के नीचे जाकर होती है विद द हेल्प ऑफ इक्विपमेंट्स, जो जैसे कि ये पिक्चर में दिख रहा है कि उन्होंने एक पंप पहना हुआ है, मास्क वगैरह और जो स्लीपर्स है पैर में पहने हुए हैं ताकि नीचे जाकर उनको तैरने वगैरह में और सांस लेने में कोई दिक्कत ना हो। तो हम बताएंगे कि ये जो एक्टिविटी है मैं गोवा जाकर करना चाहूँगी, तो उसके बारे में सारी बातें होंगी। पहले स्कूबा डाइविंग के बारे में बता दें कि हाँ ये चीज़ें होती हैं, ऐसे ऐसे होता है। तो उसके बारे में बात करेंगे स्कूबा डाइविंग के बारे में कि पानी के नीचे जब गोवा में जाकर ऐसे ऐसे हम इस इक्विपमेंट को यूज़ करके क्या करते हैं, स्कूबा डाइविंग करते हैं। तो एक ये एक एक्सपेंसिव एक्टिविटी है, मतलब ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते हम, क्योंकि इसके आधे घंटे के लिए हमें कम से कम 5 से 10 हज़ार रुपये देने पड़ते हैं। तो ऐसे क्या होता है, इससे क्या मदद मिलती है, हमें मरीन लाइफ जाकर देख सकते हैं, नीचे सी क्रिएचर्स हैं अलग अलग उनको देख सकते हैं। एक अच्छी एक्टिविटी है जिससे हम अपना माइंड रिफ्रेश कर सकते हैं। तो ऑल इन ऑल हम क्या करेंगे, स्कूबा डाइविंग के बारे में बताएंगे, कहाँ पर जाके करनी है इस एक्टिविटी के बारे में, और इसके जो बेनिफिट्स हैं उसके बारे में बताएंगे। तो क्यू कार्ड पर आ जाते हैं। वेल आई एम क्वाइट स्पोर्टिव एंड आई शो कीन इंटरेस्ट इन वाटर स्पोर्ट, कि मैं एक स्पोर्टिव मतलब स्पोर्ट्स पसंद करने वाला बंदा हूँ, और कीन इंटरेस्ट मतलब मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ में। आई हैव ऑलरेडी एक्सपीरियंस कपल ऑफ वाटर स्पोर्ट लाइक रिवर राफ्टिंग एंड बोटिंग, मैंने मतलब थोड़ी बहुत जो वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी हैं वो की हुई हैं, जैसे कि रिवर राफ्टिंग हो गया और बोटिंग हो गया, बट द वन दैट आई इंटेंड टू ट्राई स्कूबा डाइविंग, पर जो एक्टिविटी है जो मैं ट्राई करना चाहती हूँ उसका नाम क्या है, स्कूबा डाइविंग। स्कूबा डाइविंग इज़ अ वंडरफुल वाटर स्पोर्ट दैट लीड्स अ पर्सन टू गेट डीप इन टू वाटर एंड एक्सपीरियंस मरीन लाइफ। स्कूबा डाइविंग में क्या होता है, कहते हैं कि एक एक्टिविटी है जिसमें क्या होता है, पर्सन को मरीन लाइफ मतलब समुंदर के नीचे जाने का मौका मिलता है। आई गॉट टू नो अबाउट दिस एक्टिविटी वाइल वॉचिंग अ डॉक्यूमेंट्री ऑन मरीन लाइफ ऑन डिस्कवरी चैनल, मुझे इस एक्टिविटी के बारे में पता चला जब मैं टीवी पर डॉक्यूमेंट्री देख रहा था डिस्कवरी चैनल पर मरीन लाइफ के रिलेटेड। टू एंजॉय दिस एक्टिविटी अ पर्सन हैज़ टू वियर अ सेफ्टी गियर एंड कैरी एन ऑक्सीजन सिलेंडर, क्या करना पड़ता है जब हमें मतलब अगर हमने इस एक्टिविटी को इन्जॉय करना है तो सेफ्टी इक्विपमेंट ज़रूरी है, तो उसमें क्या करना पड़ता है, सेफ्टी गियर हो गया, एक ऑक्सीजन सिलेंडर है जो हमें पहनकर नीचे जाना पड़ता है, इन द वाटर दैट लो अ पर्सन टू स्टे डीप वाटर फॉर अ लॉन्ग टर्म, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है उसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, पानी के नीचे ज़्यादा टाइम ज़्यादा समय तक रह सकते हैं। सो टू इन्जॉय द एक्टिविटी आई एम प्लानिंग टू गो गोवा फॉर हॉलीडेज विद माई फ्रेंड्स, सो इस एक्टिविटी को ट्राई करने के लिए मैं सोच रहा हूँ गोवा जाने का अपने फ्रेंड्स के साथ। एज दिस प्लेस इज़ फेमस इन ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर इट्स वाटर स्पोर्ट एंड आई वुड लाइक टू डू स्कूबा डाइविंग देयर, एज हम सारे जानते हैं कि गोवा क्या है वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ करने के लिए बहुत फेमस है सारे वर्ल्ड में ही, तो मैं वहाँ पर जाकर ये एक्टिविटी को स्कूबा डाइविंग को ट्राई करना चाहता हूँ। मोर ओवर दिस एक्टिविटी इज़ लिटिल एक्सपेंसिव टू अफोर्ड, कि कहा जा सकता है कि ये जो एक्टिविटी है थोड़ी सी महंगी है, अफोर्ड नहीं कर सकते हर कोई, क्योंकि एज़ इट कॉस्ट अराउंड 5 to 10,000 जस्ट फॉर हाफ एन आवर आर एक्सपेंसिव, कि हमें क्या करना पड़ता है 5 से 10 हज़ार रुपया इसको करने के लिए देना पड़ता है सिर्फ आधे घंटे के लिए, बट आई थिंक इट वुड बी वर्थ वाइल, पर मुझे लगता है ये मतलब पैसा वसूल चीज़ ही है। With the necessary equipments, I will get into the deep water of the sea and there I would experience the marine life. मैं इक्विपमेंट्स की मदद क्या कर सकता हूँ, नीचे जा सकता हूँ पानी के, जहाँ पर मैं समुंदर की जो लाइफ है, समुंदर का जो जीवन है उसको एक्सपीरियंस कर सकता हूँ। इट वुड गिव मी अ फीलिंग ऑफ बीइंग अ पार्ट ऑफ द मरीना, इससे मुझे क्या होगा, एक फीलिंग आएगी कि मैं भी जो समुंदर का ही हिस्सा हूँ, स्पेशली द इकोसिस्टम ऑफ कोरलीज, खास करके जो नीचे के जो पेड़ पौधे हो गए, प्राणी हो गए, मतलब उनका मैं हिस्सा हूँ, इसका मुझे स्पेशल ही एक क्या मिलेगा, फीलिंग मिलेगी।
Along with this, we can see other creature like jellyfish, octopus, seahorse and many more. वहाँ पर जाकर हमें क्या होगा, जैसे कि ये सारे creatures होंगे उनको देखने का मौका मिलेगा. In fact, these days waterproof cameras are available. कि कहा जाता है आजकल क्या हो गया, waterproof cameras है गए हैं, तो दैट वी कैन टेक अलॉन्ग, जिसको हम अपने साथ मतलब नीचे लेके जा सकते हैं एंड टेक द पिक्चर ऑफ दीज रियल क्रिएचर. जहाँ पर जाके हम क्या कर सकते हैं, ये जो सारे सी क्रिएचर्स हैं इनकी फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हैं. एंड एडिशन, स्कूबा डाइविंग इज़ ऑल्सो नोन एज टू बी द मोस्ट रिलैक्सिंग एक्टिविटी. ऐसा जाना जाए, इसको छोड़ के हम कह सकते हैं कि स्कूबा डाइविंग ये सारी चीज़ों को करने के अलावा एक रिलैक्सिंग एक्टिविटी है, जिससे हमारा माइंड क्या होता है, फ्रेश हो जाता है. एज पर्सन कैन एन्जॉय, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू ट्राई स्कूबा डाइविंग इन द फ्यूचर. इससे क्या करता है, एक तो बंदा रिलैक्स भी हो जाता है और इन्जॉय भी करता है. तो मैं क्या सोच रहा हूँ, इसको फ्यूचर में करने के बारे में सोच रहा हूँ. टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, दिस इज द एक्टिविटी आई वॉन्ट टू ट्राई इन द फ्यूचर. तो सारी स्टोरी को खत्म करते हुए मैं कहना चाहता हूँ, ये एक्टिविटी है जिसको मैं फ्यूचर में जाके यूज़ करना चाहता हूँ या फिर प्ले करना चाहता हूँ. तो ये था हमारा आज का क्यू कार्ड. अगर आपको क्यू कार्ड अच्छा लगा तो लाइक द वीडियो, ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन, सो दैट अगर मेरी नई वीडियो आती है कोई भी, तो आपको पहले ही नोटिफिकेशन मिल जाए. ऑल्सो शेयर माई चैनल विद योर फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स, सो दैट आई कैन एक्सप्लोर मोर. बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.